हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल युवा नेस्ट में। मैं हूं शेखर गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं मैं इस चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे को फ्लिपकार्ट पे अगर कोई भी आइटम अगर सेल करना है तो हमारे को क्या सेटलमेंट आएगा। सेटलमेंट का ये मतलब होता है अगर मैं कोई भी आइटम बेच रहा हूँ उस पर फ्लिपकार्ट का कितना कमीशन है, डिलीवरी चार्जेस क्या लग रहे हैं, पैकिंग चार्जेस क्या है, या कह सकते हैं कि कोई अगर और चार्ज लग रहा है। तो इन सबको हटाने के बाद जो हमारे पास कह सकते हैं जो मनी लेफ्ट रहेगा वो कितना आएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट वीडियो रहेगी। और वीडियो पे आगे मूव करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपना सेलर अकाउंट लॉगिन कर रखा है तो पहले आप उसको लॉग आउट कर दीजिए। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जहाँ तक हमारे को पहुँचना है, क्योंकि इस लिंक के लिए पहुँचने के लिए एक ट्रिक है कि किस तरह से हमारे को उस चीज़ तक पहुँचना है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गूगल अकाउंट कह सकते हैं गूगल ब्राउजर ओपन कर रखा है। आपको अगर ये डालना है तो सिंपल है, फ्लिपकार्ट प्राइस कैलकुलेटर डालिए। प्राइस कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा डिजी कॉमर्स वाला। इस लिंक को हमें तो यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और इसमें एग्जैक्ट आपको चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। जो नीचे जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा SLP प्राइसिंग, इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग आ गए। यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी, कैसे काम करना है, क्या करना है, लेकिन हमारे को यहाँ नहीं देख। जो ट्रिक कहते हैं इस अगर पूरे सेटलमेंट के प्रोसेस तक पहुंचने तक, वो हमारे URL में छुपी हुई है। आप ये देख रहे हैं seller.flipkart.com/SLP/pricing। तो बात तो हमारी प्राइसिंग के ऊपर ही हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे को कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है जहाँ पे हम लोग ये बता सकें कि यही है जहाँ पे मैं एग्जैक्ट प्राइस डालूँ, हमें को पता चल सके कि मेरे पास क्या सेटलमेंट आना है। कुछ नहीं करना है हमारे को, ये SLP हमारे को रिमूव करना है और यहाँ पे लिखना है sell-pricing। सॉरी, ऑनलाइन, और एंटर कर देना। यहाँ पे हमारे को एक नई विंडो ओपन करके देखेगी। ये जो लिंक है बहुत पहले यूज होता था, अब इन लोगों ने हटा दिया है, या कह सकते हैं कि ये चीज इजीली मिल नहीं पाती है। मैं एक काफी पुराना सेलर हूँ फ्लिपकार्ट पे, तो मेरे को ये पता है। इसके बिल्कुल एंड में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली फिल आ रहा है बुक इन बुक्स। आपकी अगर कोई और कैटेगरी है वो डालिए। जैसे यहाँ पे मैं सिंपल है, मैं डाल देता हूँ स्पोर्ट्स की कैटेगरी, स्पोर्ट्स लव इन गोल्फ। अगर उसका मैं सिंपल प्राइसिंग मानूँ कि अगर 999 का अगर आपका आइटम है तो आप वो डालिए, जो इसकी लेंथ है आप वो फिल करिए। यहाँ पे मैं उसकी लेंथ फिल कर देता हूँ 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी 15 एंड हाइट आपकी नॉर्मल 12 डाल दी। वेट मैं मान ले रहा हूँ 0.75 होगा, मतलब 750 ग्राम का होगा। जो भी हमारी जो यहाँ पे वेट में चीज़ डालेंगे वो हम KG के हिसाब से ही डालेंगे। और अगर आपको पता करना है कि मेरा कौन सी चीज़ कहाँ पे शिप में जा रही है वो हम लोग देखेंगे। आप जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस थी आपकी, कमीशन हटा दिया nearly 50 रुपीज़, कलेक्शन फीस nearly 20 रुपीज़ है, आपकी फिक्स्ड फीस 19 है, शिपिंग फीस 69 है, तो आपके पास कितना आएगा 812.64। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पे चीज़ होती है जिसका नाम TCS है, वो आपको हटानी पड़ेगी। ये अभी तक हम लोग जो प्राइसिंग देख रहे हैं ये लोकल के लिए है, जोनल में चेक करेंगे तो उसकी चेंज हो जाएगी। आशा करता हूँ कि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाया हूँ और जो अभी तक आप ढूंढ रहे हैं चीज़ें वो इस वीडियो में आपकी हेल्प करी हो। जो भी मैंने यहाँ पे लिंक्स यूज करे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो कमेंट छोड़िए, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करके आपको हेल्प करूंगा।